नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल और एक नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त नील चौहान आज आपको लेकर चल रहा हूँ बनारस की तंग गलियों में और दर्शन कराएंगे माँ मंगला गौरी जी के और बात करेंगे मंदिर के महंत जी से और जानने की कोशिश करेंगे मंदिर के बारे में थोड़ा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्त आप बनारस में जा रहे हैं कहीं और आपको जाम ना मिले तो शायद आपके चाचा विधायक हैं, मेरे तो चाचा ही नहीं है फिलहाल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भाई मंगला गौरी मंदिर होते हुए तो अभी फाइनली हम पहुँचे माता के दरबार माँ मंगला गौरी और फुलमाला ले लेते हैं पहले हम। ये राहुल उपाध्याय हमारे खास मित्र जो हमारे साथ आए हुए हैं। चलिए दोस्तों फूलमाला लेते हैं और अंदर चलते हैं। काशी के षोडश विष्णु में आप जो भृगु केशव हैं जी और यहाँ पे पंचदेव हैं जी, यहाँ पे मंगल विनायक जो कि काशी के 56 विनायकों में हैं, द्वादश आदित्य में मयूखादित्य यहाँ पे विराजमान हैं जी, षोडश विष्णु के भृगु केशव, नौ गौरियों की मंगला गौरी, नौ ग्रहों के प्रधान गबटेश्वर महादेव यहाँ पर सदगुरु रूप में है। काशी खंड में लिखा हुआ है कि इस मंदिर की एक परिक्रमा पूरी पृथ्वी के परिक्रमा के बराबर का फल है। भैया यहाँ पे मंगला आरती सुबह 6 बजे, भोग आरती दोपहर में 12 बजे जी, और शयन आरती प्रतिदिन रात में 9 बजे, मंगलवार के दिन 10 बजे होती है। अच्छा ठीक। इसके मतलब कि मंगला गौरी जो नाम है तो किस लिए, जैसे प्रसिद्ध किस लिए है? यहाँ पर पार्वती जी ने खुद तपस्या की शंकर जी को प्राप्त करने की,
जब हरतालिका तीज की व्रत कथा का जब चरण का देखेंगे उसमें लिखा है कि जब हिमालय के घर से पार्वती जी भाग गई थी, जब उनका विष्णु भगवान से विवाह तय हुआ और भाग के उन्होंने तपस्या की थी, उनके संग दो सखियां भी थीं, वो सखियों के साथ यहाँ पे आके बैठ गए और यहाँ पर तपस्या करके भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त किया विश्व ख्याति प्राप्त भागवत का पुरस्कार इतिहास देखेंगे सन 1985 में मेरे पिताजी यानी पंडित नारायण गुरु जी मंदिर के महंत भी हैं, उनके द्वारा ही देव दीपावली की शुरुआत हुई, जो कि आज वो भी देख रहे विश्व विख्यात है। यानी यह स्थान पे सिद्ध स्थान है, यहाँ पे जो भी चीज आप करते हैं वो सिद्ध भी होती है, और उसका प्रमाण क्या है सामने आप देख रहे हैं। पांच प्रमुख देवता होने के साथ इस मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है। हिंदू धर्म के जो प्राप्त गौरी, शिव, विष्णु और सूर्य, ये पांचों ही यहाँ स्वयंभू हैं, किसी को स्थापित नहीं किया गया है, ये स्वतः प्रकट है, स्वयंभू हैं, स्वतः प्रकट है, इसीलिए मान्यता ज्यादा बढ़ गई, जो कि आपको नहीं मिलेगा दूसरे जगह। ये स्वयंभू, हाँ, ये स्वयंभू मूर्ति आपको एक ही मंदिर के अंदर पांच स्वयंभू मूर्ति नहीं मिलेगा, जो कि पंचदेव ये पांचों शंभू यहाँ पर हैं, और ये सारे पांचों शंभू एक ही शिखर के नीचे आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। और आप आइए तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप इन्हीं लोगों को अलग अलग जगह पूजने जाते हैं, सारे लोग एक ही जगह पे हैं, वो माता की बात करें आप जी। पंच की तृतीया, ये विशेष मंगलवार को विशेष निकाला जाता है, लेकिन उसमें मंगलवार के अलावा जो सबसे विशेष है वो भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, यानी भादो की नवमी की शुक्ल पक्ष की तृतीया बड़ी तीज पड़ती है, बड़ी तीज उस दिन यहाँ कम से कम 2 लाख महिलाओं की भीड़ लगती है, उस दिन पुरुषों का प्रवेश बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल होता है, वैसे भी पुरुष देख के ही ना प्रवेश करते हैं। नवरात्र में नवगौवियों के क्रम में अष्टमी के दिन का दर्शन क्रम है, तृतीया के दिन माता रानी का जन्म दिवस है, इसमें विशेष करके कर सकते। और ऐसे तो आपका स्कंद पुराण में भी सत्य कह दिया वर्णन है कि प्रत्येक अष्टमी के दिन भी इसका दर्शन है, तृतीया और अष्टमी के दिन। मेरे तो मम्मी मुझे भेजते हैं क्योंकि मैं मांगलिक, यही कहेंगे कि पहले आपने कुंडली को जांच लीजिए, कुंडलिंग फिर उसके बाद बृहस्पति जैसा उसी के ठीक सामने मंदिर है सिंधिया घाट पर, शुक्रेश्वर कालिका गली में है, आप शनिश्चेश्वर विश्वनाथ जी के मंदिर के जहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है वो उसी के अंदर है, राहु केतु जो है वो आपका मणिकंठा घाट के ऊपर सीढ़ी के मणिकेश्वर महादेव के मंदिर के बगल में है, ये नौ ग्रहों का द्वितीय मंदिर के रूप में ये गवर्तेश्वर भगवान सूर्य है, ये शालिग्राम शिला पर दुर्लभ चीजें हैं काशी में, पहले कहावत कही गई है गया पिंडे प्रयाग ढूंढे काशी ढूंढे, काशी को जितना ढूंढेंगे उतना इसमें रहस्य मिलेगा, उतना रहस्य बना रस, आप पहले खोजिए तो आप खोजेंगे ना आप सुनेंगे रस मिल जाए तो कौन सा रस, भक्ति रस, अध्यात्म रस, वही ये रस है, लेकिन खोजना पड़ता नहीं, आप खोजना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है किसी चीज़ में किस चीज़ की कितनी महत्व होता है और कितनी पावर है उसमें, आप जानने की कोशिश करें, उसकी सतह से आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे लोग कुछ लोग कहते हैं पुराने लोगों आज की काशी में हमारा घर है, हमारा हम यहाँ के निवासी कैसे निवासी हो हमको इसको बता दो,
पूर्व काल से 80 नदी और वर्णा नदी के बीच का है। जब हम चौका घाट डाक जाते हैं तब समझ लीजिए काशी वही अंदर है, उसके अंदर काशी, उसके अंदर काशी है। लेकिन अभी देखिए पांडेपुर चौराहा क्या, अब तो वो क्षेत्र है उस वरुणा और 80 नदी के। एक कहावत पुराने लोग कहते हैं, राम सार सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवे का। सेवे का। अगर इसका भावार्थ नुक्कड़ आने को कह दे तो तरह तरह का लोग करके देंगे। बिल्कुल तर्क वितर्क होगा, कुतर्क होगा, तर्क तो नहीं होगा, कुतर्क वास्तविकता है क्या? ये कहावत कब बनी, क्यों बनी? जब काशी, जब पुराने लोग थे राजा राजवाड़े लोग की समय था, वो लोग अपना जब संन्यास काल का समय होता था, जब चार आश्रम जीवन के बताया गया, जब उनका संन्यास आश्रम आता था, तो वो अपना राजपाल त्याग करके किसी एक स्थान पर चले जाते, जैसे कि काशी को चलाया, कोई मथुरा चला गया, कोई वृंदावन चला गया। तो काशी जब आते थे कुछ धन लेकर के आते थे अपने जीविका पार्जन के लिए, तो उस धन को चार भाग में विभाजित करते थे। तो पहले अंश को जो पशु हैं उनके लिए वो गौशालों में देते, क्योंकि काशी में केवल मठ मंदिर और घाट और गौशाला यही की बात थी, तो गौशाला में देते। दूसरा अंश जो विधवाएं थी, पहले विधवा प्रथा भी चलती थी, तो विधवा आश्रम थे वो विधवाओं के जीविका के लिए वो दान देते थे। तीसरा अंश आता था सन्यासियों का, जो गरीब घर के लोग हैं वो उन्हें अपना संन्यास आश्रम के लिए घर से तो निकल गए, लेकिन वो कहाँ पे जाएंगे आश्रम के लिए कुछ, तो राजा राजा लोग वहाँ दान देते थे। चौथा अंश आता था मंदिर मठ और सीढ़ियाँ बनाने का। काशी में कोई भी घाट जो कि कच्चा नहीं है, नहीं है, सारे घाट पक्के हैं, सारे घाट के किनारे आपको महल दिखेंगे, मठ दिखेंगे, मठ दिखेंगे, मंदिर दिखेंगे, और किसी का निजी संपत्ति नहीं दिखेगी, निजी संपत्ति। फिर ये सब बनते, उसके बाद ये चारों हिस्से के दान देने के बाद जो संपत्ति बस्ती थी उससे अपना पार्जन करते थे। तब उस समय कहा बोली, राण साण सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवे काशी, यानी उसके बाद जो धन बच रहा है उससे अपना पार्जन कर लीजिए तो आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन आज का तुमका कुछ बना दिए है, यानी कि राण का सीढ़ी जो है, यानी कि राणों की संख्या यहाँ ज्यादा है, वैसा बना है, अभी तक भाव दे रहे हैं लोग, यही है कि भावार्थ यही है। लेकिन उसका अर्थ जो था पुराने समय के लोगों का, वो था दान से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। जब वो चारों हिस्सा पे जब अपने धन को पांच हिस्से में, चार हिस्से में विभाजित करते थे, चार हिस्सा दान देते थे, उसके बाद उनके पास जो संपत्ति बचती थी उससे अपना जीवन का व्यापन करते थे। ये राजा दिवोदास की भूमि है ना, राजा दिवोदास की भूमि, जिन्होंने अपने माता के दास संस्कार के महामंडल का घाट पर सोने की गिरनी बिछा कर माता का जब दास संस्कार किया। इतिहास के पहले पन्नों को तो पढ़ लो, आज कल जंगल लुघा गया, सभी पंडित मन गए, सभी जो भी हो गए, क्या कहा जाएगा आजकल लोगों का।